नमस्कार, माई सेल्फ मदनलाल। मेरी शैक्षिक योग्यता इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है। इसके साथ साथ मैंने शिक्षा स्नातक तथा प्राइमरी टीचिंग में डिप्लोमा भी किया है। मुझे कंप्यूटर का भी कुछ ज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं फतेहाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। फतेहाबाद ज़िले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी, जो कि हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ की अधिकतर आबादी ग्रामीण भागों में निवास करती है। फतेहाबाद की मुख्य विशेषता है कि पंजाबी, बागड़ी व हरियाणवी तीनों कल्चर के लोग यहाँ बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। फतेहाबाद पंजाब व राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, अतः इन राज्यों की संस्कृतियों का प्रयोग प्रभाव भी यहाँ के लोगों पर बहुतायत में देखने को मिलता है। वर्तमान में बट्टुकला, भूना, टुहाना, जाखल, रतिया व फतेहाबाद समेत यहाँ पर 6 शैक्षिक ब्लॉक हैं। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला फूल है, जो कि रतिया ब्लॉक में स्थित है। मेरे विद्यालय में वर्तमान में 175 बच्चे पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी ग्रामीण व मजदूर वर्ग के परिवेश के हैं। जब 2016 में मैंने विद्यालय में ज्वाइन किया, तो विद्यालय में कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखा, जिसमें कि विद्यालय प्रवेश, MDM रसोई घर के आसपास का वातावरण, बच्चों में खाने पीने की गलत आदतें, साफ सफाई का अभाव, बच्चों का बीमार अधिक होना, कम दैनिक उपस्थिति, अभिभावकों व अन्य मौजूद की विद्यालय के प्रति बेरुखी आदि आदि, व विद्यालय की समस्याओं के प्रति ध्यान न देना। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि किस प्रकार हम बहुत से ऐसे नवाचारों द्वारा काम कर सकते हैं, जिससे कि बिना कोई खर्चा किए भी हम विद्यालय वातावरण में सुधार कर सकते हैं, इसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम द्वारा मुझे अनेक ऐसी गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा बच्चों को गहन अनुभव वाली शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जो बच्चे रुचि के साथ करते हैं, वे अपने ज्ञान को प्रभावी बनाते हैं। वर्तमान में ZII द्वारा जो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसके द्वारा मुझे शिक्षण की कई गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जैसे गूगल मीट क्लास, गूगल शीट द्वारा ऑनलाइन टेस्ट लेना, PPT द्वारा पाठ को प्रभावी ढंग से पढ़ाना आदि। इस कार्यक्रम में मंजीत सर, जो कि ZII के प्रशिक्षक हैं, ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैंने अपने विचार उनसे साझा किए हैं व उन्होंने इसमें सुधार करने में मेरा काफ़ी सहयोग किया है। विद्यालय स्तर पर मेरे समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान मैंने बच्चों के अभिभावकों, ग्राम सभा सदस्यों व मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर किया। विद्यालय में साफ सफाई की, बच्चों को खाना खाने से पहले व बाद में हाथ धोने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि बच्चे बीमार कम पड़ने लगे व विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने लगे। उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का भी विकास किया। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अभिभावकों को भी जागरूक किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है, क्योंकि हमने लगातार प्रयास से विद्यालय वातावरण में काफ़ी सुधार किया है। विद्यार्थियों का शैक्षिक उत्थान किया है तथा विद्यालय नामांकन में भी प्रतिवर्ष प्रगति की है। ग्रामवासियों को विद्यालय विकास के प्रति जागरूक किया है तथा वे अब नियमित रूप से हमारे साथ हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहते हैं। विद्यालय वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ साथ लंबे इंतज़ार के बाद विद्यालय को अपग्रेडेशन भी मिला है, जिससे गांव में ही अब 10-2 तक की शिक्षा प्राप्त करना संभव हो पाया है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी व SDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने पर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण मुझे व मेरे स्कूल को पहचान मिली है। धन्यवाद।